तो हेलो दोस्तों, नमस्कार, स्वागत है आपका है आज की व्लॉग में। तो आज मैं जा रहा हूँ देवप्रयाग सामान लेने। तो जो कि आपको पता है कि हमारा मकान बन रहा है, तो आज मैं सामान लेने जा रहा हूँ। और मेरे साथ में दिलवर ये भी जा रहा है, हम दोनों जा रहे हैं बाइक में। तो अभी फ़िलहाल मैं घर से निकल गया हूँ, अब ये पानी से हम जाएंगे बाइक पर। तो पानी तो आपको पता ही है हमारे धारा कहाँ पर। तो अभी चलता हूँ देवप्रयाग, तो मिलता हूँ आपसे आगे। कि हमारे रास्ते आजकल ये लग रहे हैं क्षेत्रपंच क्षेत्र जो हमारे गांव के उनके पास बजट आ रखा है। तो हमारा रास्ता काफ़ी सुंदर हो गया, अब काफ़ी ठीक हो गया। मतलब यहाँ से पानी से घर तक ऐसे हो रखा है सारा। बाइक चला के आया घर से देवड़ गांव तक, दिलवर भी घर जा रखा है। तो अभी थोड़ा कपड़े चेंज करेगा और जूते पहनेगा, क्योंकि गांव में जो ठंड हो रखी है ना बहुत ज़्यादा, तो मैं ग्लव्स पहन रखे थे मैंने और ये बांध रखा सर में। तो अभी मुझे मतलब जुकाम लग गया, इतनी छुट्टी भी आ रखा हूँ दिलवर के घर पे। शायद उसकी मम्मी आज घर पे है, क्योंकि आज संडे है ना, तो आज छुट्टी है, मैं भूल गया था संडे आज। तो अभी सब घर पे है, तो मिलते हैं सबसे। तो वैसे मैं पहले भी आया था, पहले व्लॉग में भी देखा होगा आपने दिलवर का घर। तो देखते हैं अभी कौन है घर पे। और उसकी दादी भी घर पे है। नमस्ते नमस्ते। दादी उसके घर पे है। तो दिलवर की मम्मी घर पे है। करते हुए हम फटाफट चलते हैं देवप्रयाग, और क्योंकि लेट हो रही है इसलिए दिलवर ने अपने जूते पहने और चले। अब चलते हैं आगे। तो उसकी मम्मी घर पे थी, सब घर पे थे, मिल के आ गए सबसे। तो अब चलते हैं हम आगे। तो अभी मुझे जाना है वहाँ पर देवप्रयाग के ऊपर, रान ढंग बोलते हैं वहाँ की दुकान है वहाँ पे भाभी भाई की। तो वहाँ सब कुछ सामान मिलता है, मतलब ए टू जेड, छोटा से लेके बड़ा सब सामान मिलता है वहाँ। तो वहाँ जा रहा हूँ, तो वहाँ मैंने फ़ोन किया था, तो वहीं से लेके आता हूँ। हर कोई जो भी सामान चाहिए मुझे घर के लिए वहीं से लेके आता हूँ। तो अभी वहीं जा रहा हूँ मैं, तो वहाँ से सामान लेके आऊँगा घर पर। तो लेंटर पड़ने की तैयारी है, तो इसलिए सामान लेके आ रहा हूँ। तो जल्दी लेंटर पड़ जाएगा, तो फिर आपको बताऊँगा मकान कैसे बना है। तो अभी चलता हूँ आगे, मिलता हूँ आगे आपसे। दिलवर चला रहा भाई। फाइनली पहुंच गया यहाँ पे, जहाँ से सामान लेना है देवप्रयाग के ऊपर रानढंग पे। तो अभी चलता हूँ ऊपर और बात करता हूँ भाई से, और सामान भेज देंगे तब तक मैं जाता हूँ देवप्रयाग में। देवप्रयाग कुछ काम भी है, तो चलता हूँ बात करता हूँ, तो मिलता हूँ आपसे आगे। मैंने फाइनली बात कर दी भाई से, तो उन्होंने कहा कल सामान भेज दूँगा। बोला आज तो गाड़ी ऋषि खिंच गई है सामान लेने अभी फ़िलहाल, तो कल आ जाएगा सामान। बोल तो कल सुबह सामान पहुंच जाएगा। तो अभी मैं यहाँ से निकलता हूँ देवप्रयाग, का जो काम है तो उसे निपटा के आपसे मिलता हूँ। तो फिलहाल मैं आपको दुकान बता दूँ कि भाई की दुकान 17-18 गाँव है, सारे यहीं से सामान ले जाए। नीचे देवप्रयाग है, देवप्रयाग के ऊपर ये दुकान है, ठीक है। और यहाँ हर सामान मिलता है, जो छोटा से लेके बड़ा था हर सामान मिलता है यहाँ। तो आपको पूरी दुकान वहाँ भी है, अंदर भी यहाँ। तो ये स्टोर है, तो यहाँ स्टोर का सामान रखा रहता है। तो यहाँ हर सामान मिलता है, ये दाल वगैरह सारे पड़ी है, जो कोई भी दाल चाहिए सब पड़ी है। और यहाँ सब्जी रखी है, कोई भी सब्जी ले जा सकते हो। तो यहाँ चलता हूँ मैं, थोड़ा सामान दे रखा हूँ किसी के देने के लिए। तो मैं चलता हूँ यहाँ से नीचे, और सामान मैंने बता दिया उन्हें क्या क्या ले जाना है। तो दिलवर वहाँ पे वेट कर रहा है, तो चलते हैं अब देवप्रयाग। तो मिलता हूँ आपसे आगे। फाइनल पेट्रोल भर लिया 500 का, और बाइक स्टार्ट कर रहे हैं, चलते हैं। तो सामान तो आएगा कल, तो मैं यहाँ से चलता हूँ अब घर। और जब कल सामान आएगा तो कल सामान भी उतारना है, तो अभी चलता हूँ घर। तो दोस्तों फाइनली हमारा सामान आ चुका है पानी पे,
और हमने उतार दिया तो सरिया आ गए यहाँ पे, और सिमर थोड़ा आगे जाके वहाँ पे घर के ऊपर रास्ता शॉर्टकट पड़ता है वहाँ से नीचे सीधे ले जाने के लिए, तो वहाँ पर टाइम समय कम लगता है वहाँ से ले जाने के लिए, और मतलब कम ही शॉर्टकट रास्ता है वहाँ से। तो यहाँ से हम पानी से वो सरिया है क्योंकि ये पूरा बंडल उठाएंगे पूरा जैसे पैक होके आता है तो वैसे ही उठाएंगे इसे, और इसे रास्ता खूब मतलब काफ़ी चौड़ा है रास्ता, ठीक है रास्ता बड़ा, और उसका सीधे यहीं से ले जाएंगे दो तीन आदमी उठा के एक एक क्विंटल, और ये आ रखे 11 क्विंटल आ रखे सरिया भी फिलहाल, तो इसे उठा के ले जाएंगे अभी घर तक पूरे, और मैं आपको बताता हूँ सरिया। और सरिया 8 बजे यहाँ पर सामान पहुँच गया और अब चलते घर। और तो ये आ रखे 11 क्विंटल सरिया, 4 सूत और 3 सूत के मिक्स, यहाँ पे 2 सूत के है ये कड़े बनाने के लिए। सारा सामान हमारे पहुँच चुका है घर पे, और सरिया सिमट जो भी था हम लेके आ गए घर पे, और वीडियो काफ़ी तो वीडियो को ये भी एंड करते हैं, और वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को, और जय हिंद जय भारत जय उत्तराखंड।